हेलो दोस्तों, वेलकम वन अगेन जी सॉफ्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने जाऊंगा आज कि जो जियो सिम का जैसे क्रेज़ बढ़ रहा है दिन ब दिन, वैसे कई यूज़र्स को सिम्स नहीं मिल पा रहा है। मतलब अधिकतर स्टोर्स पे सिम्स ख़त्म हो गया है या किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक अच्छी खबर देने जा रहा हूँ कि अगर आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसे पोर्ट आउट करा सकते हैं जियो सिम में। सो पोर्ट आउट कराने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको अपने कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा और एक पोर्ट आउट रिक्वेस्ट जनरेट करनी होगी। उससे क्या होगा कि रिटर्न में आपको एक पोर्ट आउट आईडी दी जाएगी। सो उस आईडी को आपको सेव करके रखना है। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी वैलिडिटी है, 15 डेज़ की उसकी वैलिडिटी है। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको उस आईडी को लेके रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस स्टोर पे जाके वो आईडी देके आप वहाँ से न्यू सिम इशू करा सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि बस आपको कॉल करना है आपके कस्टमर केयर पे और वहाँ से एक पोर्ट आउट आईडी जनरेट करवानी है। वो आपसे कई सवाल पूछेंगे कि आप क्यों पोर्ट आउट कराना चाह रहे हैं, तो आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। सो बस आपको इतना ही करना है कि आपको पोर्ट आउट आईडी जनरेट कराना है और उसके बाद उस आईडी को लेके एक दो फ़ोटो और आधार कार्ड या आपके पास जो भी आपके पास प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, आप उसको लेके आप रिलायंस डिजिटल एक्सप्रेस स्टोर पे जाएं और उस आईडी को आप दिखाएं, बताएं कि हमें ये नंबर हमारा पोर्ट आउट कराना था और हमें न्यू जियो सिम इशू करानी है। सो आप वो पोर्ट आउट आईडी आपसे लेंगे और आपको न्यू सिम इशू हो जाएगी और विद इन 2 डेज़ योर न्यू जियो सिम विल बी एक्टिवेटेड। एंड डोंट वरी अबाउट द नंबर, जो आपका नंबर है वो नंबर सेम रहेगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी आपका पुराना ऑपरेटर का नंबर था वही नंबर रहेगा, आप नया नंबर आपको नहीं आपका नंबर चेंज नहीं होगा, वही नंबर रहेगा, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही और आगे मैं और भी बताऊँगा आपको सजेशंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ रेट, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड बाय फॉर नाउ।